जो फंडिंग इन्होंने जनरेट करी है दीज इंडिया टेक स्टार्टअप इको सिस्टम हैज बीन लोएस्ट इन द लास्ट फाइव ईयर्स कंप्लीट फाइव ईयर में सबसे लोएस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में जनरेट कर पाए हैं एंड इट रिसीव ओनली सेवन बिलियन डॉलर्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ब्रिंगिंग डाउन इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग वन पॉइंट डाउन फ्रॉम फोर्थ टू फिफ्थ सो फ्रॉम फोर्थ पोजिशन इंडिया अप फिफ्थ पोजिशन पे आ गया है इन दिस यू नो इन दिस लिस्ट यहां पर ये जो रिपोर्ट मिली है जिसने ये फाइंडिंग्स रिलीज करी है वो है आपकी एनुअल इंडिया स्टार्टअप रिपोर्ट 2023 ट्वेंटी थ्री विच वज रिलीज बाय ट्रैक्सन इट्स अ ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ओके इसमें ये देखा गया है कि जो आपकी फिनटेक रिटेल और इंटरप्राइज एप्लीकेशन है वो द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन 2023 ट्वेंटी थ्री एंड टिल डेट ओके अब देखो स्टार्टअप में क्या सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके जो देख रहे होंगे आप स्टार्टअप कुछ लोग काफी बूम कर रहे हैं बट मोस्टली जो देखा गया है एट्टी परसेंट ऑफ दूजअली फेल काफी लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं बट एटी परसेंट यूजअली गो इन लॉ लॉर्ड ऑफ लॉसिस एंड इवेंचुअली दे फेल ओके सो इन्वेस्टर्स भी थोड़े से ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं वैन दे आर यू नो इन्वेस्टिंग इन मनी इन ऑल ऑफ दिस सो इट्स बेसिकली हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड सो देर इज रिस्क इन दी स्टार्टअप बट इवेंचुअली द रिवॉर्ड इज ऑल्सो लार्ज है ओके मूविंग फॉरवर्ड इसमें बात की गई थी आपके पे के बारे में फोन पे इज अ डिजिटल पेमेंट कंपनी यूजुअली डेली लाइफ में भी आप इसे काफी ज्यादा यूज करते होंगे इट वाज अ टॉप फंडेड कंपनी इन फिनटेक एंड इट सिक्योर्ड सेवन फिफ्टी मिलियन डॉलर्स, ओके ये इतना रेज कर पाया था और कंपनीज लाइक इंश्योरेंस देखो क्रेडिट भी दे वर दी टॉप फंडेड फिनटेक कंपनीज ओके okay? एक इम्पॉर्टेंट कंपनी की बात है ये दिस इज नॉट इन दी आर्टिकल बट ये आपका डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है दिस uh, कंपनीज नेम इज सरवाम ए आई ये ए आई की इंडिया की ए आई की कंपनी है ये ओके okay? एंड पहले तक ये स्टेल्थ मोड पर थी अब इन्होंने फाइनली uh, रिवील किया है दैट इन्होंने फोर्टी वन मिलियन डॉलर रेज किए हैं जस्ट

नेक्स्ट न्यूज है आपकी अबाउट मिजोरम सी एम सो ये रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं हिज नेम इज़ लाल धूमा ओके ये इंपॉर्टेंट नेम है आपके लिए बाकी हम मिजोरम के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं ओके सो द गवर्नर ऑफ मिजोरम इज डॉक्टर हरी बाबू कम्बत्ती देन मिजोरम कब यूनियन ऑफ uh, इसको यूटी का कब टैग मिला था स्टेटस कब अप्रूव हुआ था इन 1972 सेवेंटी टू एंड स्टेटहुड कब मिला था इन्हें नाइनटीन में सो रिमेंबर दिस ईयर एंड इट वॉज द ट्वेंटी स्टेट टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज यूनियन इंटरनेशनल बॉर्डर किन के साथ शेयर करती है ये विद म्यांमार एंड बांग्लादेश एंड नेशनल और स्टेट बॉर्डर विद त्रिपुरा आसाम एंड मणिपुर ओके ये इसका मैप वर्जन है इसमें आप देख सकते हो फॉर दिस पी डी एफ यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल ओके दे यूल गेट दिस पी डी एफ ओके नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सिकल सेल अनिमिया सो देखो सिकल सेल अनिमिया एक डिजीज होती है जिसमें क्या होता है देखो इफ आई टेल यू इन रेली बेसिक्स सो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं दे आर यूजली इन अ शेप ओके दैट इज वेरी इजीली वो वेसल्स के थ्रू पास हो जाए वो इस टाइप की शेप में होते हैं बट वेन समी सफरिंग फ्रॉम सेल एनीमिया देन द शेप ऑफ द सेल्स चेंज ये सिक्कल सेल के टाइप में हो जाते हैं इस शेप में हो जाते हैं जैसे आप देख रहे हो एंड ये जब वेसल से पास करते हैं देन वहां पर जाके स्टक हो जाते हैं एंड इसकी वजह से जो लाइफ रेट हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है मोस्टली पीपल सफर फ्रॉम हार्ट अटैक्स बिकॉज ऑफ दिस डिजीज ओके सो ये इसके क्योर होना इज अ वेरी बिग थिंग जो अभी रिसेंट में हुआ है वैसे इसका जो क्योर लॉन्ग टर्म था वो इज अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो यूजली फॉलो हो रहा था बट अभी एक काफी चेंज आया है बिकॉज द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड टू जीन थेरेपीज दो नई जीन थेरेपीज अप्रूव करी गई हैं इनका नेम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है द फर्स्ट नेम इज कैस ओके एंड नेक्स्ट नेम इज लाइफ जीनिया ये दोनों नेम याद रखना कि डायरेक्ट आपके इसमें एम सी क्यू पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये रिलेट किससे करते हैं ओके सो दे आर ट्रीटमेंट फॉर सिकल एंड ए बाकी आपको रीड करना है यू कैन गेट द पी डी एफ ओके फ्रॉम द पी डी एफ यू कैन रीड दैट Moving forward, the next thing is about fellowship. So, ये अभी एक भूटान के को दिया गया है, his name है. ताशी, okay, इन्हें ये कन्फर की गई है इज अ राइटर इज अ पॉपुलर राइटर एंड ही इज द ट्वेल्थ रेसिपियंट ऑफ दिस फेलोशिप मूविंग फॉरवर्ड हम आ जाते हैं अपने सी के पार्ट पे ओके सो फर्स्ट चीज आई है आपकी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो ये कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है अभी रिसेंटली इनोग्रेट करेंगे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी इन्हें और ये कब होने वाला है डिसम्बर ट्वेल्व फोर्टीन को अब हमारे बी एम इनग्रेट कर रहे हैं तो इंडिया में ही होगी ऑब्वियसली सो इंडिया में होगी ये ये अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दिस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई सो ये स्टेबलिश कब हुई थी ये 2020 में स्टेब्लिश हुई है आपकी

सो so, यूनिसेफ ने एक इनिशिएटिव अभी ज्वाइंटली uh, कोलैबोरेट किया है यूनिसेफ जनरेशन अनलिमिटेड विद इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के साथ ओके okay? सो so, उस इनिशिएटिव का नाम क्या है द नेम ऑफ दैट इनिशिएटिव इज ग्रीन राइजिंग इसका मेन एम है कि यूथ जो है कंट्री के वो उन्हें इन्वॉल्व करना इन द ग्रास रूट इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज में उन्हें इन्वॉल्व करने के लिए ओके okay? ये कब हुआ है आपका सीओपी ट्वेंटी एट में जो आपका यू ए में चल रहा है ठीक है यू ए दुबई में आ, ये हुआ है ये आपको तो पता ही होगा इफ यू आर फॉलोइंग फ्रॉम लॉन्ग बैक ओके सो द इनिशियव नेम इज ग्रीन राइजिंग ओके एंड इट्स कैरीड थ्रू द इंडियाज युवा कैंपेन मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट वन न्यूज इज अबाउट एनसीआरबी सो एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी अपनी जिसमें उन्होंने सबसे अनसेफ प्लेस सेफ सिटी को डिक्लेयर करा था डेली को और स्टेट थी उसमें यूपी आपकी बट सेफेस्ट कौन सी है सेफेस्ट इज कोलकाता कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी एनसीआरबी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एनसीआरबीज सेटेंट एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमिटी नेशनल पुलिस कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टास्क फोर्स ओके नेक्स्ट थिंग आ गई आपका ह्यूमन राइट डे सो ये किस दिन सेलिब्रेट होता है सो so, ये आपका सेलिब्रेट होता है ऑन टेंथ ऑफ डिसंबर सो हम कल संडे को ये सेलिब्रेट करेंगे सो दिस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ दिस मोमेंटम ग्लोबल कमिटमेंट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडोप्टेड बाय दू एन यूएन ने कब अडोप्ट किया था इसे डिसम्बर टेंटीन फोर्टी एट को और इस बार का थीम क्या है इस बार का थीम है आपका फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल ओके, okay. नेक्स्ट आ गया आपका बैंक ऑफ द ये अवार्ड किसको दिया गया है बैंक ऑफ ईयर इंडिया में इस अवार्ड को दिया गया है फेडरल बैंक को ओके okay. ये अवार्ड किसने दिया है आपका द बैंकर अ प्रोमनेंट पब्लिकेशन अंडर द फाइनेंशियल टाइम्स अम्ब्रेला दे हैव गिवन दिस अवार्ड टू फेडरल बैंक फेडरल बैंक के जो सीईओ हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए इस नेम इज श्याम श्रीनिवासन मोर ओवर फेडरल बैंक ने एक चार्ट बूथ जो ए आई पावर बूथ रिलीज किया था इंट्रोड्यूस करा था उसका नाम क्या है फेडी ये नेम भी आप याद रखना नेक्स्ट आ गए हम वो कैप पे सो so आज के टॉप फाइव वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं द फर्स्ट वर्ड इज इन्फिल्टशन इन्फल्ट्रेसन का मीनिंग होता है टू एंटर परमिट्रेट और पास थ्रू अ सब्सटेंस और एरिया बाय फिल्टरिंग और इंसुएटिंग ग्रेजुअली इन्फिल्ट्रेशन आप इन्फिल्ट्रेशन आप बॉर्डर्स पे देखते होंगे मोस्टली कि यू नो बॉर्डर कंट्रोल की काफ़ी जरूरत होती है बिकॉज ट्रेड करते रहते हैं लोग थ्रू द ओपन बॉर्डर्स ओके सो वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूरियस दैट मीन्स एक्सट्रीमली एंग्री थर्ड वर्ड इज इनकिट

वट्स हैपनिंग रिसेंटली एक पॉलिटिशियन को एक्सपेल किया गया है सो अबाउट दैट ओके मूविंग फॉरवर्ड कल का जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं सो द आंसर वी एल टेन दिस इज जी एल टेन यू कैन सी है इसको जी एल टेन और द्रीज लाइटनिंग ये नासा ने टेस्ट किया है आपका ये आपका एक यू ए वी है और एक अनमैंड व्हीकल है इट्स अ हाइब्रिड डीजल इलेक्ट्रिक टिल्ट विंग अनमैंड एयरक्राफ्ट टिल्ट विंग देख सकते हो आप विंग्स आपके नॉर्मली हॉर्जोंटल होते हैं बट देशन और आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है विच ऑफ दीऑर्गेनाइज और रिकोगनाइज एज इंडिया स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क सिचुएटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ओके सो इनमें से कौन सा ऑप्शन है बाकी जो सारे ऑप्शन है उनके बताना आपकी वो कहाँ पर सिचुएटेड uh, है ओके दैट ऑल्सो यू गैन टेला कॉमेंट सेक्शन And now we're gonna meet you all on Monday. Sunday ko, we do not conduct this. So make sure you subscribe to the channel and hit the bell button so that when we upload the video on Monday, you get a notification. And make sure to like this video. Thank you for watching.